बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कुक विद शावी। तो आज मैं आपके लिए बड़ी डिलीशियस चिकन विंग्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। देखते से बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो देखें, यहाँ मैंने चिकन ले ली है, ये हाफ के जी चिकन है जिसे मैंने क्यूब्स में कट कर ली, ये बोनलेस है। साथ ही देखें, मैंने यहाँ पर जो छोटी प्याज ली है एक, जो हम नॉर्मल यूज़ करते हैं, थोड़ी मैंने हरी प्याज का वाइट पार्ट लिया है, और एक मैंने छोटी शिमला मिर्च ली जिसे मैंने चॉप कर लिया। तो ये तीन चीज़ें हो गई। इसे हम 1 टीस्पून ऑयल में सौते करेंगे बाद में। साथ ही मैंने देखें यहाँ पर 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, 2 टेबल स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है मैंने, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून चिली सॉस और 1.5 टीस्पून सॉल्ट लिया है। तो ये चीज़ें हो गई। साथ ही देखें, मैंने यहाँ पर आटा लिया है जिससे हम डो रेडी करेंगे। 2 कप ये मैदे का आटा है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर देखें 1 टीस्पून अजवाइन ली है और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर सॉल्ट यूज़ किया है। ऑयल लिया है, ऑयल मैं इसमें 3 टेबल स्पून तक ऐड करूँगी। तो ये चीज़ें हो गई। तो चलें सबसे पहले हम चिकन बॉईल करते हैं। देखें, एक पैन रख लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पर के हम चिकन ऐड करेंगे अपनी। चिकन ऐड करने के बाद हम 1 बाय 1 तमाम चीज़ें इसमें ऐड करते जाएंगे। तो बस अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देते हैं चिकन के ऊपर ही, साथ ही हरी मिर्चों का पेस्ट जो हमने लिया था वो ऐड कर दें, ब्लैक पेपर जो लिया था ब्लैक पेपर ऐड कर देते हैं, चिल्ली सॉस, साथ ही हम सोया सॉस लेंगे वो ऐड कर देंगे। तो इसके अलावा देखें, मैंने यहाँ पर 1/2 ग्लास पानी लिया है वो ऐड कर दूँगी ताकि बॉईल हो, टेंडर हो जाए चिकन। और लास्ट में हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। अच्छा, जो हरी मिर्चों का जो थोड़ा पेस्ट रहेगा तो उसमें मैंने थोड़ा पानी मिला के वो भी ऐड कर देंगे। अब बस इसमें बॉईल आएगा, हम लिड लगा देंगे। तो देखें, इसमें बॉईल आ गया, अब लिड लगा देते हैं 10 मिनट्स तक। तो चिकन यहाँ पर हमारी कुक होगी, हम तब तक जाकर जल्दी जल्दी अपनी डो रेडी कर लेंगे। तो चलें चलते हैं डो रेडी करने के लिए। देखिए, आटे में हम ये 2 चीज़ें ऐड करेंगे, यानी कि अजवाइन और सॉल्ट। अजवाइन और सॉल्ट ऐड करने के बाद हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल तकरीबन यहाँ 3 टेबल स्पून हम लेंगे, तो आप ऑयल ऐड कर दें 3 टेबल स्पून तक। ठीक है, ऑयल ऐड कर लिया हमने। अब ऑयल ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम पानी की मदद से एक सॉफ्ट डो रेडी करेंगे। तो ये देखें, हम पानी डालते जा रहे हैं और अपनी डो रेडी करते जा रहे हैं। तो ना इसे हार्ड कीजिएगा ना ज़्यादा सॉफ्ट, बस नॉर्मल इसकी रखनी है कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो ये देखें डो हमारी रेडी है। अब से हम ढक लेते हैं और चलते हैं, देखते हैं चिकन कुक हो गई है या नहीं। तो ये देखें, यहाँ हमारी चिकन रेडी है। तो बस इसे हम ठंडा करेंगे, देने से रेशा कर लेंगे। और चलते हैं, अब हम जो हमारी प्याज और शिमला मिर्च थी उसे हम सौते करते हैं। तो चलें चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। देखें, एक पैन ले लेंगे, उसमें हम 1 टीस्पून के करीब ऑयल ऐड करेंगे, ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं करना। तो बस ऑयल ऐड करने के बाद हम इसे गर्म करेंगे। तो देखें, हमने ऑयल ऐड कर दिया। जैसे ही ऑयल गर्म होगा हम ये तीनों चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि प्याज और शिमला मिर्च। तो चलें बस ऐड कर दें। और इसे ऐड करने के बाद इसे थोड़ा सोते करना है 2 मिनट्स तक। तो बस ये सोते हो गए, अब इसमें अपनी चिकन की जो हमने रेशा कर ली थी बस वो ऐड कर देंगे। तो चलें फिर चिकन ऐड करते हैं इसके अंदर। और बस चिकन ऐड करने के बाद इसे मिक्स करना है 2 मिनट्स तक। बस 2 मिनट्स तक मिक्स कर लें और फ्लेम ऑफ कर दें। यहाँ हमारी चिकन की स्टफिंग रेडी है। अब चलते हैं डो की तरफ। तो देखें, डो बिल्कुल सॉफ्ट होके रेडी। अब इसमें से हम थोड़ा सा पोर्शन उठाएंगे और एक पेड़ा तोड़ लेंगे जिसे हम अपनी रिंग्स वो प्रिपेयर करेंगे। तो देखें, इतना मैंने तोड़ लिया है। अब इसे मैं पेड़े की शक्ल दूंगी। थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दें आप सरफेस पर आटा, और फिर पेड़े से हम एक रोटी बना लेंगे। अच्छा, रोटी हमें लंबाई में बेलनी होगी, ठीक है, जैसे ओवल शेप होती है ना, इस तरीके से, गोलाई में नहीं। तो बस यूँ पेड़ा आप इस तरीके से कर लें जिससे कि हम नॉर्मली बनाते हैं। बस ये सेट करके इसे स्प्रेड कर लें और लंबाई में एक रोटी बेल लें, सिंपल। तो देखें,
ये रख दिया। इसके ऊपर आप थोड़ा और मज़ीद थोड़ा खुश्क आटा स्प्रिंकल कर दें ताकि ये चिपके नहीं, और एक लंबाई में रोटी बेल लें। तो देखें इस तरीके से हमने ओवल शेप कर ली। यहाँ पर मैंने थोड़ी लई बना ली मैदे के आटे से ताकि हम फिर एंड में से ज्वाइन कर सकें। और यहाँ पर देखें मैं बता देती हूँ, चिकन की जो हमने स्टफिंग रेडी की है वो भी हमारी कम्प्लीटली रेडी है। तो बस अब हम यहाँ रोटी के देखें ऊपर टॉप पर ये चिकन की स्टफिंग ऐड करेंगे। अच्छा, ये आप तकरीबन 2 टेबल स्पून तक ऐड करें, ज़्यादा ओवरलोड ना कीजिएगा वरना फिर रिंग अच्छी तरीके से नहीं बनेगी। ठीक है, देखें यूँ। और अब इसे लंबाई में हम सेट करेंगे इस तरीके से, और कॉर्नर से भी आप सेट कर लें कुछ बाहर ना निकल रहा हो। देखें अगर स्टफिंग कोने में से बाहर निकल रही हो तो उसे भी आप सेट कर लें यूँ, और बस इसे सेंटर में रखें। और अब हम ऊपर से इसे फोल्ड करेंगे, देखें यूँ। अच्छा, फोल्ड भी करना है तो प्रेस करके करना है ताकि अच्छी सी हमारी ये रिंग रेडी हो। देखिए यूँ सिंपल से बन जाती है, बहुत इजी और बड़ी मज़े की लगती है। तो बस ये देखें इस तरीके से हमने कर ली। अब हमें क्या करना है कि इसे फोल्ड करने के बाद इतना बस छोड़ देना है। देखें ये इतना हम छोड़ देंगे, और ये देखें ये सेट कर दें, प्रेस कर लें। और अब नाइफ़ की मदद से हम कट्स लगाएंगे लंबाई में, ये देखें यूँ। अच्छा, कट्स लगाना है आपने पूरा एंड तक, यानी किनारे तक नहीं लगाना कि आपने पूरा एंड तक काट लिया, नहीं, किनारे से पहले पहले आपने इसे ख़त्म कर देना है। देखिए इस तरीके से एंड तक नहीं ले जाइएगा इस तरीके से। देखें दूसरा भी मैं आपको बता देती हूँ, इस तरीके से हम तमाम कट्स लगा लेंगे, एंड से पहले पहले ख़त्म करेंगे। तो देखें कट्स लगा लिए, बस परफेक्ट। अब इसे फिर से फोल्ड कर लें, कितनी ईजी है ये। तो ये देखें हम ये फोल्ड करते जा रहे हैं, ये देखें ऊपर इस तरीके से कट्स कितने प्यारे लग रहे हैं। तो हम इसे फोल्ड करेंगे और अच्छी तरीके से पुश कर लेंगे पीछे से, देखें, ताकि ये खुले ना। यहाँ पर लई अप्लाई नहीं करनी, लई हम इन दो जॉइंट्स में अप्लाई करेंगे। देखें इस तरीके से ये आप इस तरीके से दोनों अंदर डाल देंगे तो ये जॉइंट हो गई, लेकिन हम यहाँ पर आटे की लई वो अप्लाई करेंगे ताकि फिर खुलने का डर ना रहे। तो चलें ये देखें लई है, ये हम दोनों तरफ अप्लाई कर देते हैं, और बस अब इसे हम ज्वाइन कर लेंगे और ये रिंग रेडी। तो देखें ये रेडी, इस तरीके से हम अपनी तमाम रिंग्स बना लेंगे। तो ये देखें हमने बना ली, चलें फिर फ्राई करते हैं। पैन में हमने देखें ऑयल ऐड कर लिया है, अब हम इसमें अपनी रिंग्स ऐड करते जाएंगे। देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, साथ ही आयत भी पढ़ते जाएँ, लई सलाह मिन दुनिल्लाही काशिफा। अच्छा, आप खाने बनाते वक्त इस आयत का विर्द रखा करें, मैं बोलूं या ना बोलूं, क्योंकि मैं दिल में भी पढ़ती रहती हूं। तो ये देखें मैंने तीनों ऐड कर लिए, अब इसे जैसे गोल्डन कलर आएगा हम इसे टर्न करेंगे, उससे पहले हम इसे नहीं टर्न करेंगे जब तक गोल्डन कलर नहीं आता। तो चलें देखते हैं गोल्डन कलर के, देखें कितना परफेक्ट कलर आया माशाल्लाह से। इस तरीके से हम अपनी तमाम रिंग्स टर्न कर देंगे और बस सेकंड साइड भी यूं ही गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। तो ये देखें अब हम इसे जारे की मदद से निकाल लेते हैं और यहाँ हमारी रिंग्स रेडी हैं। तो चलें फिर सॉसेस के साथ इसे सर्व करते हैं, ये देखें चलें सर्व करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ में जो मेरा चैनल है शाबी उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी न्यू रेसिपी आपको देखने को मिले। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा।